भगवान आगे पहुंचे तो भगवान ने देखा कि बकरियों के झुंड में एक बकरे का भेष बनाकर लंबे लंबे सींग करके भगवान के पेट को फाड़ने की योजना में धैनुकासुर नाम का राक्षस छुपा बैठा है बकरे के भेष में। भगवान ने धैनुकासुर को वध नहीं किया, मारा नहीं है। यदम ब्रह्माम धनसुतम, जिनके पास में चतुर्बुद्धि है, जो वेद आदि शास्त्रों के जाता है, भगवान ने धैनुकासुर को उठा के ब्रह्मा जी को दे दिया ब्रह्मलोक में। हे ब्रह्मा जी, ये ब्लैक मनी है, काला धन, धैनुकासुर। धैनुकासुर किसे कहते हैं? जिसके धन में आवक बहुत है, घर में धन आता बहुत है, पर कभी सेवा में लगता नहीं, वो धन राक्षस हो जाता है, औलाद को सज्जन रहने देता नहीं है। तो ऐसे धन को क्या करें? फिर आग लगाएं? नहीं 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 नहीं, किसी विद्वान को दान कर दो, किसी योगी को दान कर दो। ब्रह्मा को दान कर दिया भगवान ने धैनुकासुर को। ब्रह्मा के पास धन की कमी थी, औलादें ज़्यादा हैं और योग्यता बहुत है। जिनके पास योग्यता है, धन उसके पास ही खेलता है, जिनमें योग्यता नहीं है, धन उनके पास ज़्यादा दिन टिकता। आप लोग ही कहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं, पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। अच्छी औलाद के लिए धन की जरूरत नहीं है और बुरी औलाद के पास धन टिकने वाला नहीं है। दोनों जगह धन की आवश्यकता नहीं है। हमारा औलाद अगर अच्छी है तो वही धन है हमारा। औलाद अगर खराब है तो कितना भी धन हो, कोई आनंद उसका नहीं ले सकता। श्रीमद् भागवत कथा इसका प्रमाण है। भागवत के प्रथम स्कंद में ही, पहले दूसरे अध्याय में ही धुंधकारी की कथा प्रारंभ हो जाती है। इतने धनवान थे आत्मदेव ब्राह्मण, पर एक ही पुत्र ने ऐसा कर दिया कि रोटी पानी घर मकान सब खत्म। जुआ की आदत हो गई, पीने की आदत हो गई, वेश्याओं की आदत हो गई, सारी संपत्ति समाप्त हो गई महाराज। भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि कुछ गायें और कुछ बछड़े मूर्छित पड़े हैं। भगवान परेशान हो गए, क्योंकि गोपाल गायों की सेवा के लिए धरती लोक पर आए हैं और आज गायों को देखा तो भगवान ने पूछा ग्वाल वालों से, ये क्यों मूर्छित हो गए? तो कहा, हे नंदन, हे नंद के लाला, श्री धाम वृंदावन में यमुना जी में एक काला विषयर सांप प्रवेश हो गया है, जिसने सारे जल को विष से भर दिया है। जो भी गाय पानी पीती है वो मर जाती है। इसलिए हे यशोरा नंदन, आप भले आए, हमारी गायों की और बछड़ों की रक्षा करो और यमुना जी को पवित्र करो। महापुरुषों का धर्म, भारत के जितने भी मंत्री और नेता हैं, उनका धर्म यही बनता है कि जो भारत की धरती को संचित करने का और सबको सजीव करने का काम जो नदियां करती हैं, उन नदियों को गटर मुक्त कर देना चाहिए। कैसे भी करके शहर का विषैला पानी नदियों में ना जावे तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले नदी प्रक्षालन का काम वृंदावन में प्रारंभ किया। भगवान ने कालिया नाम के नाग को नाथ कर उसका जहर समाप्त करके अपने चरणों की कृपा से उसकी पत्नी की भक्ति से उसे प्राण दान दिए, विंध्याचल पर्वत पर भेज दिया। यमुना जल काली देह को पवित्र करके सबसे पहले भगवान ने वृंदावन वासी साधु संतों को, गैया मैया को जल प्रदान कर दिया। यमुना प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि नारायण की पटरानी है यमुना और पति का सही धर्म है अपनी पत्नी को हर तरह से सुखी करे, समृद्ध करे, पवित्र करे। हाँ, पत्नी को समृद्ध कैसे करे पति? उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखे, उसके गुण और विचारों का ध्यान रखे। आज भगवान नारायण ने यमुना महारानी को सिद्ध कर दिया। जैसे ही नाग के ऊपर नाचते हुए भगवान बांसुरी बजाते हुए बाहर आए, सारे ऋषि मुनि सब देवता खड़े हुए तमाशा देख रहे। बड़े बड़े जटाधारी ऋषियों ने
नौ वर्ष के कन्हैया को जब देखा कि वो तो शेष अवतार के ऊपर चढ़ के आए हैं, तो सारे महात्माओं ने सरेंडर कर दिया, सब ने कन्हैया के चरणों में माथा टेक दिया और सबने मान लिया ये नंद का लाला नहीं, ये साक्षात नारायण है, ये भगवान। जय जयकार करने लगे, सोने के सिंहासन पर बिठाकर महात्माओं ने वृंदावन में लाला की शोभा यात्रा निकाल दी और वृंदावन में स्थापित कर दिया। अब नहीं जाने देंगे सोने के सिंहासन पर, दूध का अभिषेक हो रहा है, दही का अभिषेक हो रहा है, आज सारे महात्मा नंद के लाला का स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे, श्रृंगार कर रहे हैं। सारे महात्माओं ने घोषणा कर दी, आज के बाद श्री धाम वृंदावन के मुखिया श्री कृष्ण है। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदो कर्मं विभूषितं कर्मो विभूषितं गति कर्मो रक्षितं प्रियाः। सम्मान चाहने से कभी मिलता नहीं है, सम्मान स्वयं चल के आता है। भगवान का सम्मान देखो कैसे बढ़ गया है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, किसी को भी सम्मान की भूख मत रखो। अगर तुम्हारे कर्म में ताकत है, तुम्हारे पास में पुरुषार्थ है, तो सम्मान खुद चल के आएगा, क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ, भगवान के हाथ में है किसी का मान और सम्मान। तुम कितना भी सोचो मैं वहां जाऊं तो मुझे लोग वहां ऐसे बुलाएं, वहां ऐसे बिठाएं, मुझे वही जगह मिले, वहां ये मिले, सोचने से नहीं है, वो तो स्वयं प्रकट हो जाना चाहिए तुम्हारे लिए, स्थान खुलते चले जाने चाहिए। नौ वर्ष के बालक का सम्मान संत महात्मा कैसे करेंगे, वो तो संतों की सेवा का हित लेकर गए थे, इसलिए सम्मान होने ही वाला है। सेवा में बड़े गुण है बहनों भाइयों, कहीं भी सेवा कर लो, आप घर में सेवा कर लो, गांव में सेवा कर लो, शहर में सेवा कर लो, किसी भी विभाग में रह के सेवा कर लो। सेवा करते समय तो संघर्ष और परेशानियां हो सकती हैं, पर आखिरी सेवा का फल सबसे मजबूत मिलता है, बहुत अच्छा फल है सेवा का। जय जयकार हो रही है सारे ब्रज में, सारा ब्रज प्रसन्न हो गया। दूर दूर से लाला के दर्शन के लिए दौड़ दौड़ कर ब्रजवासी आ रहे हैं, क्योंकि लाला ने ऐसा चमत्कार जो कर दिया है। पाताल में से नाग को ढूंढ के लाए, और जिस नाग से पूरी यमुना जहरीली हो गई है उसमें कितना जहर होगा, आज भगवान ने उसे नाथ लिया अपनी उंगली से, इसलिए ब्रजवासियों ने भगवान का दर्जा दे दिया कन्हैया को। ऐसा नहीं है कि सब ब्रजवासी भगवान के हो गए थे, ना, साधु संत ब्राह्मण जन जो है भगवान के हो गए थे, पर कुछ लोग कंस के डिपार्टमेंट वाले भी थे। सरकार भले ही बीजेपी की हो केंद्र में, पर कांग्रेसी भी कोई कम नहीं है, कंस का पार्टी भी कम नहीं थी ब्रज में, कंस की पार्टी भी जोरों पे ही थी तब, क्योंकि जिनकी सरकार होती है उनके कुत्ते बिल्ली भी खूंखार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, और एक बार विधायकी का चुनाव हार जान दो ना, फिर कुत्ता अंदर वाले गार्डन में रहता है, फिर दरवाजे पे रहना बंद कर देता है, वो अंदर वाले गार्डन में घूमता कुत्ता शांत, और प्लेट भी निकल के बाहर रख जाती है। कंस का शासन है मथुरा ब्रज में, तो कितने सारे लोग विरोधी थे भगवान के महाराज, पर संत ब्राह्मण भक्त जन जय जयकार कर रहे हैं। आज लाला के चमत्कार की चारों तरफ जय जयकार हो रही है, सब दर्शन को उमड़ पड़े। आज जंगल में मंगल हो गया कन्हैया के चमत्कार और सेवाओं से, और उसी चमत्कार के प्रभाव में समस्त गोपियां ब्रज की सब सखियां कन्हैया जी का दर्शन करने पधार रही हैं। उसी चमत्कार को देखते देखते शोरगुल सुनते सुनते सब ब्रज की नंद गांव से लेके बरसाने तक की सब कन्याएं सब महिलाएं लाला के दर्शन के लिए पधार रही हैं।